नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 26 जुलाई के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यीशु मसीह से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यीशु में सोमवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। यीशु में भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन के सारे संकटों को हरते हैं, उनके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यीशु में भी आपका कल्याण होने वाले हैं। आपके जीवन में भी अनेकों प्रकार के बड़े बड़े ऐसे बदलाव होंगे जिन्हें जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर से जुड़ी सभी आर्थिक तंगियां खत्म होंगी। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ और संकट समस्याएं चल रही है उनसे यीशु में आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपको बता दें कि भोलेनाथ अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, परंतु आपको भी उनके लिए कुछ सावधानियाँ रखनी होती है। जय दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यीशु मंत्रालय में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाली है। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ लिखेगा, गुरु जी का और भगवान भोलेनाथ का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं क्रियान्वित होंगी। ईश्वर के आशीर्वाद से आप उपलब्धियों को यह समय हासिल करेंगे। दोस्तों अभी किया हुआ जो भी परिश्रम है आपके लिए आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय यह समय बहुत ही अच्छा समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में दोपहर के बाद अचानक से कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे जिनकी वजह से थोड़ा सा चिंता रह सकता है। दोस्तों अपनी वाणी पर यश में आप संयम रखें, क्योंकि इस वजह से कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है। दोस्तों किसी प्रकार की यात्रा यश में आपके लिए तकलीफदायक साबित होगा, तो दोस्तों यात्राओं से यश में सावधान रहें। इसको प्रांति दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर निर्णय लेने की कोशिश करें। परिवार के प्रति अधिक भाव होकर आप किसी भी निर्णय में बदलाव ला सकते हैं जिसका फायदा आपको तुरंत नजर आएगा। लेकिन दोस्तों दूरदृष्टि से देखा जाए तो इस निर्णय से जुड़े नुकसान को भी आप देख पाएंगे जो कि फायदे से अधिक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप जो है कुछ नया सीखने के लिए यश में उत्सुक रहेंगे। किसी खास व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा। घर की मरम्मत व फिर सुधार संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको जो है व्यक्तित्व में निखार लाएगा तथा दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारियों को भी यश में बखूबी निभाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में पैतृक संपत्ति या फिर किसी बंटवारे संबंधी बात की वजह से भाइयों से अनबन हो सकती है। आलस को अपने ऊपर यश में हावी न होने दें। मन में तरह तरह की आशंकाएं बनेंगी। दोस्तों बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से जो है यश में सलाह लें और दिक्कतों को शेयर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, परिस्थिति आपके पक्ष में होंगी। जिन बातों का निर्णय आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, दोस्तों उन बातों के बारे में आपको जो है क्लैरिटी नजर आएगी, जिसकी वजह से उचित निर्णय लेना आपके लिए यश में आसान होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, भाग्य का सितारा जो है प्रबल होकर रुके हुए कार्यों में गति प्रदान करेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का जो है पथ प्रदर्शक के रूप में आपको सहयोग करेंगे। दोस्तों किसी जोखिमपूर्ण कार्य में आपकी रुचि यश में बढ़ेगी। दोस्तों यश में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों यह समय किसी बात को लेकर थोड़ा सा आप मायूस भी हो सकते हैं। अपने लक्ष्य से न भटकें तथा मन को वश में रखें। दोस्तों झूठे दोस्तों से यश में आप दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित होगा। वाहन तथा मशीनरी से संबंधित सामान का सावधानी से इस्तेमाल करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अधिकतर काम आपकी मर्जी के अनुसार और वक्त से पहले होने की वजह से जो है सीमन पर बना तनाव भी कम होगा। दोस्तों काम करने का जो आसान तरीका भी आपको यश में प्राप्त होगा। सुख समाधान प्राप्त होने की वजह से जीवन के प्रति आपका यश में उत्साह बढ़ सकता है।
इसको प्रांतीय दोस्तों यशोमय कार्यस्थल या फिर व्यवस्था को जो है कोई नया लुक देने के लिए आप विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। अचानक लाभ की प्राप्ति होगी जिससे आर्थिक स्थिति यश में बेहतर होगी। वही दोस्तों यश में आप किसी भी काम को मजबूरी वश ना करें अन्यथा आप पर यश में तनाव हावी हो सकता है। दोस्तों आपकी कोई प्रिय वस्तु चोरी या फिर गुम हो सकती है। भाइयों से यश में मनमुटाव की स्थिति भी रह सकती है। दोस्तों घर में चल रहा विवाद किसी पारिवारिक सदस्य की मध्यस्थता से हल भी हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी जो है आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों अधिकतर खर्चों को किस तरह से कम किया जाए इस बात पर भी आपका यश में ध्यान रहेगा। कुछ बातों में निर्णय न ले पाना आपको बेचैन बना सकता है। दोस्तों यश में अपनी मन स्थिति स्थिर रखें। दोस्तों इसलिए निर्णय लेते समय आपको दोबारा जाँच करना और आगे बढ़ने की जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ेंगी। आपको अपने लिए कुछ समय नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों इनका प्रतिफल सकारात्मक मिलने में आपका मन जो है प्रसन्न रहेगा। दोस्तों तकनीकी तथा कलात्मक क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में यश में सफलता मिलेगा। यश में हाथ में आए अवसरों का पूरा सा पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों ये आपके करियर के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में कुछ ठोस व फिर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। दोस्तों आप में आत्मविश्वास यश में बढ़ेगा तथा अपने कार्यों को भी अच्छी तरह से अंजाम देने में आप यश में सक्षम रहेंगे। दोस्तों व्यवसाय में निवेश करने के लिए समय जो है बहुत उत्तम समय होगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में अपने बॉस से मिल सकती है। दोस्तों व्यवसाय के लिए सफलतादायक समय होगा। आप कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। दोस्तों अधिकारी वर्ग से संबंध यश में मधुर रहेंगे। नौकरी में किसी भी तरह का बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों नौकरी तथा कार्य क्षेत्र में जो परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, परंतु दोस्तों आपके सहकर्मी बॉस वगैरह आपको जो है जानबूझकर परेशान कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको चौकन्ना रहने की भी यश में आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, तरक्की में आई बधाई यश में दूर होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा तथा दोस्तों यश में किसी वैवाहिक कार्यक्रम में जाने का आपको आमंत्रण भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके द्वारा लिए गए निर्णय का असर आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा, इसलिए दोस्तों निर्णय लेते समय सोच समझ कर निर्णय लें, ये आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ नोक झोंक भी हो सकती है, परंतु दोस्तों आपसी सूझबूझ से समस्या सुलझ जाएंगी और रिश्तों में नई ताजगी भी आएंगी। दोस्तों रोमांस के मामलों में समय जो है बहुत ही उत्तम समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको अपने बच्चों के बीच हंसी खुशी का माहौल बिताने में अच्छा महसूस होगा। पति पत्नी के संबंध यश में सुखद बने रहेंगे। दिल के मामले में भी आपको जीत प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी तथा परिवार का यश में भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपको हर क्षेत्र में यश में लाभ मिलेगा दोस्तों, जिससे आपका आत्मबल भी यश में बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में सफलता के योग बने हुए हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आंखों में पीड़ा महसूस हो सकती है तथा कोई पुराना शारीरिक रोग भी पुनः उठने से आपके मन में थोड़ा सा चिंता भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति यश में सतर्क रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में जो है अकारण ही तनाव की वजह से सिर दर्द या फिर माइग्रेन जैसी स्थिति भी रहेगी, इसलिए दोस्तों यश में मेडिटेशन और ध्यान में समय व्यतीत करें। बेहतर होगा कि किसी आध्यात्मिक स्थल पर भी आप यश में जाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, दोस्तों शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त रहेंगे। योगा तथा व्यायाम आदि पर ध्यान रखना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों वात पित्त संबंधी परेशानियां रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों परंतु इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होगा, फिर भी यश में शारीरिक सुरक्षा संबंधी नियमों का आपको पालन करना अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का यश में ख्याल जरूर रखें।